खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में गुजरात के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत कुल 40 लोगों के नाम स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। वहीं स्टार प्रचारकों की सूची में सुनीता केजरीवाल का नाम भी शामिल है। ये पहला मौका होगा जब केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के लिए प्रचार करती नजर आएंगी। सबसे खास बात यह है कि सूची में अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के नाम भी शामिल हैं, जबकि ये तीनों ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। गुजरात के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में गौर फरमाने वाली बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि ठीक अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल को दूसरा स्थान दिया गया है। अब पार्टी में वो क्या हैसियत रखते हैं ये बताने की कोई खास जरूरत तो है नहीं। हाल ही में राजनीति के मैदान में आप पार्टी का नेतृत्व करते संजय सिंह को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में स्थान दिया गया है। जारी की गई लिस्ट में संजय सिंह को सातवें स्थान पर रखा गया है। संजय सिंह के बाहर आते ही सुनीता केजरीवाल आप पार्टी के बीच से गायब होती दिख रही हैं। ऐसा क्यों, ये तो सिर्फ संजय और सुनीता ही जाने। पार्टी की ओर से जारी की गई लिस्ट में आम आदमी पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले पंजाब से सांसद राघव चड्ढा का नाम भी देखने को मिल रहा है। केजरीवाल ने राघव की योग्यता को देखते हुए उन्हें राज्यसभा में पहुंचा दिया और ऐसे में जब पार्टी के मुखिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो कहां चले गए हैं इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। अब देखना होगा कि क्या राघव पार्टी के लिए प्रचार करेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं गुजरात कैंपेन के लिए कैबिनेट मंत्री आतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। दूसरी ओर दिल्ली सीएम की करीबी कहे जाने वाली तेज तर्रार नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिली। जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से स्वाति मालीवाल ना तो आपके समर्थन में खड़ी होती नजर आई और ना ही आप द्वारा किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर और पंजाब से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह का नाम भी इस लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है। अक्सर हरभजन सिंह पार्टी की गतिविधियों से गायब होते नजर आए हैं। अब इस लिस्ट में हरभजन सिंह को शामिल क्यों नहीं किया गया है, इस बात को हरभजन अच्छे से जानते होंगे।